सर आकांक्षा दुबे की सुसाइड मिस्ट्री आप जितनी आसान समझ रहे हैं सर, उतनी आसान ये सुसाइड मिस्ट्री है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं और सारे किरदार जो हैं वो राजदार हैं। उन्हीं राजदार और किरदारों पर से पर्दा उठाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बड़ी तेजी से कर रही है। जितने घंटे बीतते जा रहे हैं उतनी कहानी बनती जा रही है और उतने किरदार जो है सामने नजर आते जा रहे हैं। उन किरदारों के ऊपर से पर्दा हम भी उठाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से किरदार हैं जो आकांक्षा दुबे को इस कदर मजबूर कर दिए कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो संदेह की तलवार उस पर भी लटक रही है जो आकांक्षा दुबे को होटल में छोड़ने आया युवक था, वो भी संदेह के दायरे में खड़ा है क्योंकि उससे भी पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। संदेह की तलवारें उन पर भी लटक रही है जो आकांक्षा दुबे के साथ रिलेशन में थे, वो थे समर सिंह। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हर उस शख्स से पूछताछ करेगी जो शख्स आकांक्षा दुबे के बहुत ही करीबी थे। समर सिंह के साथ उनका रिलेशन था, ये बात किसी से नहीं छुपी है, तो पुलिस के दायरे में समर सिंह भी आने वाले हैं। हो सकता है कि उनके भाई भी इस दायरे में पूछताछ के दायरे में आए और इसके बाद पुलिस उनसे बिठाकर पूछताछ करे। अब होटल मैनेजमेंट के अनुसार अगर हम बात करें, मैनेजर के अनुसार हम बात करें, तो आकांक्षा दुबे शनिवार रात 8 बजे होटल से निकली थी एक पार्टी अटेंड करने के लिए। इसके बाद आकांक्षा दुबे देर रात एक 25 साल के युवक के साथ लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंची। कमरे में आकांक्षा दुबे 17 मिनट तक उस युवक के साथ रहती हैं और इसके बाद वहां पर जब वो उस युवक के साथ थी तो तब तक वो लाइट जो है उस कमरे की बंद थी। 17 मिनट तक बंद कमरे के में उस लड़के ने आकांक्षा दुबे के साथ क्या किया ये किसी को कुछ नहीं पता है और इसी पर से पुलिस जो है पर्दा उठाने का काम जो है वो बड़ी तेजी से कर रही है। वहीं मुंबई से वाराणसी पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने गंभीर आरोप लगाया है सिंगर समर सिंह और उसके भाई के ऊपर। आरोप यह है कि 21 मार्च को समर सिंह के भाई के साथ आकांक्षा दुबे की मारपीट हुई और कहासुनी हुई। समर सिंह तथा कथित रूप से आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड थे और वो तमाम बड़ी बड़े एल्बम में काम कर चुके थे आकांक्षा दुबे के साथ। सुसाइड मिस्ट्री में समर सिंह का नाम काफी तेजी से सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि जो मां उनकी पहुंची है वाराणसी, उन्होंने कहा है कि पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर, इसके बाद जो है गाने की डील को लेकर तमाम बार विवाद होता रहा और समर सिंह के भाई ने आकांक्षा दुबे को बीते कुछ दिन पहले ही मारने की यानी से जान से मारने की धमकी दी हुई थी। इस बयान के बाद पुलिस जो है अब समर सिंह और उसके भाई से पूछताछ करेगी और खबर लगाने का प्रयास करेगी कि आखिर आकांक्षा दुबे को उकसाने में इन दोनों लोगों का हाथ तो नहीं था। इन तमाम चीजों पर जांच हो रही है और जांच की तलवारें अब सब पर लटक रही हैं। पुलिस समर सिंह, उसके भाई और आकांक्षा दुबे की लोकेशन, कॉल डिटेल्स, कॉल हिस्ट्री और इसके बाद चैट हिस्ट्री के माध्यम से यह अनुमान और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह सुसाइड है या फिर सुसाइड करने के लिए उकसाया गया है। यह तमाम चीजों पर जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बखूबी इन तमाम चीजों पर जांच कर रही है और मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इन तमाम पर्दों से और इन किरदारों से जो है राज उठाएगी और सच क्या है वो दुनिया के सामने और भोजपुरी भाषी लोगों के बीच में जल्द रखेगी। बाकी इस वीडियो को आप तक अभी आपने अभी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।